हेलो निधि, आई एम डॉक्टर बलबीर कौर, पंचकुला से, पिराबेंड मास्टर। आपका स्वागत है इस प्रश्नोत्तरी सेशन में। आज बहुत शुभ दिन है, रामनवमी है, भगवान राम का जन्म दिवस है और चैत्र मास के नवरात्रों का नौवां दिन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का अद्भुत मिलन हो रहा है, चारों तरफ ऊर्जा की बारिश हो रही है। ऐसे सुंदर समय में, ऐसे सुंदर दिवस पर हम ये प्रश्नोत्तरी का सेशन शुरू कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। अब आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपके कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहले नमस्ते मैम, मैं निधि भारद्वाज, गुड़गांव हरियाणा से, और मेरे यहाँ दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम बहुत ज्यादा है, परंतु वहां पर भी एनलाइटेड मास्टर हुए हैं काफी। तो सबसे पहला उदाहरण में अगर जीसस का दूं तो वो भी नॉन वेजिटेरियन थे, तो ऐसा विरोधाभास क्यों है कि वो खुद भगवान के पुत्र जिन्हें कहा जाता है वो है और फिर भी वो मीट कंज्यूम करते थे, और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और काफी जगह मीट कंज्यूम होता है, बट वहां पे एनलाइटमेंट मास्टर्स भी हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? निधि, आपने जो प्रश्न किया है इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, तो जब हम नॉन वेजिटेरियन यानी पशु पक्षी को खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो उसमें आप देखिए कि कोई भी पशु या पक्षी, हर आत्मा यहाँ पर जीने के लिए आई है, जन्म लेती है, और उसको जबरदस्ती मारा जाए तो उसके अंदर जो भय, उस क्रूरता के प्रति रिएक्शन, जो डर है, वो आत्मा सिकुड़ जाएगी और उसके अंदर क्या होगा, वो सभी फीलिंग्स लेकर जब वो आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी और उसी मीट को हम खाएंगे, तो क्या वो हमारे ऊपर असर नहीं डालेगी? चाहे हमारे विचार हैं, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारी भावनाएं हैं, चाहे हम जो जिस उद्देश्य को लेके चले हैं उसमें भी रुकावट आ सकती है। तो जब ये संभव है कि हमारे ऊपर असर पड़ सकता है, तो थोड़ा सा हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि हमें वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन खाना खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना है। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अगर अपने विचारों को शुद्ध रखना है तो हमें उस भोजन को जो हम शारीरिक रूप से ले रहे हैं उसको भी सात्विक रखना है, ठंडा रखना है, शीतल रखना है, अपने अनुकूल रखना है। न केवल शारीरिक रूप से जो भोजन है बल्कि मानसिक भोजन भी हमें सात्विक रखना है। इसीलिए जो हमारे विचार हैं, हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं, हमारे मास्टर्स हमें कहते हैं, स्वाध्याय करें, पत्री जी कहते हैं कि स्वाध्याय और साजन संगत करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी हमारा मानसिक आहार है। वो कहते हैं कि आप ज्यादा फालतू बात मत करो, मुंह का काम सिर्फ उस वक्त खोलो मुंह जब आपको जरूरत हो। इसी तरह से भोजन के बारे में किया गया है कि जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, वेजिटेरियन करेंगे, उतनी ही हमारी जो आत्मा की ग्रोथ है, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में स्थित होने के लिए, तो हमें ये सहायता देगी, हमारी जर्नी को संभव बनाएगी, हमारे लिए सहायक होगी, हमारे विरुद्ध नहीं। इसलिए वेजिटेरियनिज्म को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि तो मेरे जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए इस क्वेश्चन पे। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो बिगनर्स के लिए भी है कि जो ध्यान करना जिन्होंने शुरू किया है, जो भी नए हैं, तो और उनमें जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो थॉट्स बहुत आती हैं, तो उनको हम कैसे थॉट्स से हम पीछा छुड़ाएं, उनको हटाएं, और कैसे कुछ पॉइंट्स आप हमें बताएं कि हम कैसे ध्यान में हम बैठ सकते हैं और कैसे अपना ध्यान लगा सकते हैं? हाँ, इसमें आपको सबसे पहले एक बैठने का सुखासन हम
बताते हैं कि आप सुखासन में बैठिए। सुखासन का मतलब है कि ऐसी जगह पर बैठिए, चाहे आपका बेड हो, चाहे आपका सोफा हो, चाहे आपकी कुर्सी हो, जहां पर कि आपका शरीर आरामदायक रहे, लूज हो, बिल्कुल अकड़न ना हो उसमें, बिल्कुल ठहराव हो, अच्छी तरह से आराम से आप बैठ सके, आपको हिलने की जरूरत ना पड़े, इस तरह का आप आसन करें। उसके बाद आंखें बंद करें, आंखें बंद करने के बाद हाथों को हाथ में ले लें और पैरों को क्रॉस कर लें। ये तीनों मुद्राएं करने का एक कारण है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, उसका एक चक्र है, वर्तुल है उसका एक, तो जब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो वो जो वर्तुल बनेगा वो टूटेगा नहीं, शक्ति ऊर्जा जो है वो बाहर नहीं जाएगी। शुरू यात्रा करते समय कई रुकावटें आती हैं, जैसे आपने अभी बताया कि विचार बीच में आते हैं, उसका एक कारण है आपको अपने आप को सांसों के साथ प्रेजेंट रखना है, विद्यमान रखना है। अगर आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन आप विचारों की तरफ चले गए तो सांस चलता रहेगा, यांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी, मैकेनिकल एक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सांसों के साथ प्रेजेंट रहना है, विद्यमान रहना है, मौजूद रहना है, ठीक है ना। सांसों पे ही लेकिन ध्यान रखना है, यस, जैसे आपने कहा, और अगर थोड़े बहुत विचार आते हैं तो ठीक है आने दो, बट सांसों से जुड़े रहिए, सांसों पे ध्यान, यस, दूसरा काम कर रही है ऊर्जा, हाँ ऊर्जा काम कर रही है। और तो जो अनुभव होते हैं, क्या ऐसा होता है कि सभी को अनुभव आते हैं या फिर किसी किसी को अनुभव नहीं भी आते? जैसे मुझे अभी तक कुछ ऐसे अनुभव नहीं हुए हैं, जैसा कि मैं सुनती हूँ सभी मास्टर्स के कि आगमन पर ही ऐसा दिखा वैसा दिखा ऐसा अनुभव हुआ, तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं अनुभव। तो ऐसा भी होता है क्या कि अनुभव किसी किसी को नहीं भी आते पर हाँ ऊर्जा अपना काम कर रही होती है? आपको कितने दिन हो गए हैं ध्यान में प्रवेश किए? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, क्योंकि इतना हुआ है कि मेरे यहाँ पर सहस्रार जो हमारा चक्र होता है वहाँ पे मुझे कुछ सेंसेशन फील होती है, इतना है। हाँ तो फिर तो अगर सेंसेशंस हो रही हैं तो वहाँ पर, वहाँ से हमें कॉस्मिक एनर्जी, जब सहस्रार हमारा एक्टिव होता है तो कॉस्मिक एनर्जी वहीं से अंदर जाती है, और अगर जाती है तो फिर वो कॉस्मिक एनर्जी अपना काम करती है, और जो आपके विचारों वाली बात है इसको रोकने में काफी सहायता मिलेगी। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है जिसकी वजह से आपके विचार नहीं जाते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। दूसरी बात जो आपने कही है कि भाई अनुभव की बात है, अनुभव की निधि 7.9 बिलियन के करीब लोग हैं संसार में, आपने देखा होगा कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता, चाहे आपकी शारीरिक बनावट है, चाहे आपकी सोच है, चाहे आपके विचार है, चाहे आपका व्यवहार है बाहर का, सब कुछ अलग है। तो सभी के अनुभव अलग अलग होंगे, जो कोई बता रहा है आप सिर्फ सुन के वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको क्या हो रहा है वो आपने देखना है। हर सोल की अपनी एक यात्रा है, उस यात्रा के हिसाब से आपका कर्मों का लेन देन है, उसके हिसाब से आपका परिवेश क्या है, आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ कौन सा परिवार है, ये सारी चीजें बहुत आपके ऊपर असर डालती हैं जब ध्यान में जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे के अनुभव आपके अनुभव नहीं हो सकते, आपके अनुभव आपके ही होंगे, अगर नहीं हुए तो भी अच्छा है, अगर कोई हो गए हैं तो आप अपने मास्टर से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि मुझे सहस्त्रार पर सेंसेशन होती है, तो दिस इज ए गुड साइन, जब सेंसेशन होती है इसका मतलब हम अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र खुला हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपने जो जो पॉइंट्स मुझे बताए हैं मैं जरूर उन पे वर्क करूंगी, और दोबारा भी आप जब भी कॉन्टेक्ट करना चाहें हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।